दोस्तों, अगर आपने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है, आवेदन किया हुआ है पारिवारिक लाभ योजना का, तो आप घर बैठे ही पारिवारिक लाभ योजना का पैसा चेक कर सकते हो। आपको ऑफिस या बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही आप अपने मोबाइल के माध्यम से पेमेंट स्टेटस देख सकते हो कि आपका पैसा लगा है या नहीं, पेमेंट स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड है या पेंडिंग है, पूरी जानकारी आप घर बैठे ही निकाल सकते हैं। तो कैसे आपको पारिवारिक लाभ योजना का पेमेंट चेक करना है, आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, सरकारी योजना गुरु .in। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हाउ टू चेक पारिवारिक लाभ योजना पेमेंट, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने आर्टिकल पूरा खोल करके आ जाएगा। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि पारिवारिक लाभ योजना क्या है, कैसे आप पारिवारिक लाभ योजना का पैसा चेक कर सकते हो। इस योजना के तहत 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने का प्रोसेस बताया गया है। इसके बाद पेमेंट स्टेटस चेक करने का प्रोसेस बताया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। डीबीटी स्टेटस ट्रैकर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर कैटेगरी में आपको सिलेक्ट कर लेना है एनी अदर एक्सटेंशन सिस्टम, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है, एनी अदर एक्सटेंशन सिस्टम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला है बेनिफिशियरी वैलिडेशन का, दूसरा है पेमेंट का। यदि आप बेनिफिशियरी को चेक करना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन बेनिफिशियरी वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे, और यदि आप पेमेंट को चेक करना चाहते हैं तो दूसरा वाला ऑप्शन पेमेंट वाला सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहां पर आपको एप्लीकेशन आईडी नंबर फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपके पारिवारिक लाभ योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, उसको आपको फिल कर देना है। इसके बाद कैप्चा आपको यहां पर फिल करना है और सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने पेमेंट डिटेल खुल करके आ जाएगी। यहां पर आपको अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर देखने को मिल जाएगा, यहां पर लाभार्थी का बेनिफिशियरी नाम देखने को मिल जाएगा, बेनिफिशियरी कोड यहाँ पर दिया हुआ है, आधार नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, किस स्कीम का पैसा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितना अमाउंट मिलेगा 30,000 रुपये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद का पेमेंट का रिक्वेस्ट डाला गया है, वैलिडेशन स्टेटस क्या है, फंड का स्टेटस क्या है, फंड अप्रूव्ड हुआ है या पेंडिंग है या रिजेक्टेड है आप यहाँ से देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अप्रूव्ड बाई एजेंसी, यानी कि एजेंसी के माध्यम से फंड अप्रूव कर दिया गया है। इसके बाद फंड आपके बैंक को भेजा जाएगा, यहां पर देखेंगे फाइल स्टेटस कॉलम में बैंक रिसीव हो चुका है, यानी कि खाते में आपका पैसा पहुंच चुका है, किस डेट में आया है आप यहां पर देख सकते हैं। पेमेंट क्रेडिट स्टेटस आप देखेंगे तो यहां पर पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, यहां पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यूटीआर नंबर क्या है, किस डेट में आपके खाते में पैसा ऐड हुआ है, कौन सा खाता नंबर है और खाते धारक का नाम, यह पूरी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। अभी फिलहाल में पेमेंट लगा हुआ है पारिवारिक लाभ योजना का, यहां पर नया पेमेंट लग चुका है पारिवारिक लाभ योजना का, आप यहां पर देखेंगे तो पेमेंट रिक्वेस्ट डेट आपको देखने को मिल जाएगी 14 अगस्त को लगा हुआ है, जो कि अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहा है। फंड अप्रूव होने के बाद इनके खाते में भी पारिवारिक लाभ योजना का पैसा आ जाएगा, 30,000 रुपये खाते में आ जाएगा। आप चेक करिए कि आपका पारिवारिक लाभ योजना का पेमेंट लगा है या नहीं, पेमेंट स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड है या पेंडिंग है या अंडर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेमेंट स्टेटस क्या दिखा रहा है। अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है तो अभी पेमेंट नहीं लगा है, जब आपका पेमेंट लगेगा तभी पेमेंट डिटेल शो होगा। अगर नो रिकॉर्ड दिखा रहा है तो मान चलिए आपका पैसा अभी नहीं लगाया गया है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप पारिवारिक लाभ योजना का पेमेंट चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।